सब स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरल एक्साइटेशन। मतलब हमने ये हमारे पास न्यूरोन है, इसके सेल बॉडी है, ये एक एक्सॉन है, ये डेंड्राइट लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक्सॉन जहाँ पर ये सेल बॉडी से और एक्सॉन के जंक्शन को हम एक्सॉन हिलो कहते हैं। अब भी क्या बात होती है, सबसे पहले ना हम इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख लेते हैं, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन रहता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखेंगे, फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस देखेंगे, फिर नॉन्स्ट पोटेंशियल देखेंगे, और इसके अलावा जो सोमा है ना, इसकी थोड़ी पोटेंशियल की डिफरेंस होती है वो देखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक साइट कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता कौन सा है? ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, हमारी जो नर्व ये होते हैं हमारे नर्व सेल्स, ठीक है, इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है -65 mV, जबकि जो हमारे बाकी पेरिफेरल नर्व फाइबर्स होते हैं या जो स्केलेटल मसल फाइबर्स में होते हैं, मतलब जो नर्व्स में नहीं होते, हमारे ब्रेन में नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उसका होता है, उनका होता है -90 mV, इनका होता है -65 mV होता है, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स हैं उनका नर्व पोटेंशियल, सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर हॉर्न्स में होते हैं ना, उनकी हम मेजरली बात कर रहे हैं ये, ठीक है, उसका होता है -65, और बाकी जो होते हैं हमारी बॉडी में पेरिफेरल उनके होते हैं -90। अब ये जो -65 है, इसको हमने मेंटेन करना है। अब ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये -65 -90 से लेस नेगेटिव है। इस लेस नेगेटिव का फ़ायदा क्या होता है? इस लेस नेगेटिव का फायदा होता है कि जो हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये मोर एक्साइटेबल होते हैं। इसका रिलेशन इस तरह से होता है, जितना ज़्यादा कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव उतना मोर एक्साइटेबल, तो ये लेस नेगेटिव होते हैं उनकी इस नस्बत तो मोर एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि आयंस की होती है। ये हमारे सोमा, इसके मेम्ब्रेन तीन तरह के आयंस होते हैं, सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड। सोडियम हमें पता है बाहर हमारे उसमें हमारे बाहर एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ना ये अंदर आने की कोशिश करता है, ठीक है, ये अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन हम इसे बाहर भेज देते हैं। अब जब ये अंदर आएगा तो इसकी ये अंदर आने की कोशिश करता है, बस अभी ये याद रखेंगे, ठीक है, बाहर कैसे जाना वो अलग बात है। ये बाहर भेज दिया जाता है, बाहर सोडियम ना अंदर आता है, लेकिन ये सोडियम होता है ना तो अंदर ये पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है, इसको हमारे डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए पंप्स के जरिए वापस भेज देते हैं। पोटाशियम ना, पोटाशियम एक्सेस अंदर ज़्यादा होता है, अंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, आपने ये एरो नहीं देखने अभी, एरो ये और चीज़ है। सोडियम ने क्या करना है, सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, सोडियम अंदर आने की कोशिश करता है, पोटाशियम बाहर जाने की कोशिश करता है। क्लोराइड भी अंदर, क्लोराइड बाहर ज़्यादा होता है और वो अंदर आने की कोशिश करता है, ठीक है, बस ये आपने याद रखना है अभी। अब क्या होता है, अब ये सोडियम जो अंदर आ रहा है, पोटाशियम जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और क्लोराइड भी जो अंदर आने की कोशिश करेगा, इसको ना इनकी मूवमेंट्स को अपोज करता है एक पोटेंशियल, इनकी मूवमेंट्स को जो अपोज करता है ना पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं नर्व पोटेंशियल। नर्व पोटेंशियल के लिए हम देते हैं +-61 × log कंसनट्रेशन इन साइड और कंसनट्रेशन आउटसाइड, ये वाला फॉर्मूला हम देखते हैं इसके लिए। कंसंट्रेशन इनसाइड, कंसंट्रेशन आउटसाइड, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसकी नर्व पोटेंशियल निकालने के लिए। और ये नर्व पोटेंशियल ऐसे होता है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, उनके लिए ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव आयंस के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये कैसे अपोज करता है। सोडियम अभी अपोज कैसे करता है, अब इसका जो सोडियम का जो नर्व पोटेंशियल है ना, वो हमने जब निकाला तो हमें मिला +61, और +61 ज़्यादा है, ये -61 कम है, ठीक है, इसकी वजह से ना सोडियम को मौका मिल जाता है और सोडियम अंदर आ जाता है। सोडियम अंदर, क्योंकि ये अभी उसको अपोज करने वाला तो आया ही नहीं, जैसे जैसे वो अंदर आता जाएगा, जब अंदर आ जाएगा तो ये इस हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, उसको डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन हमने तो इस RMP को मेनटेन करना है, तो फिर क्या होता है, ये पम्प्स के जरिए ना वापस भेज दिया जाता है बाहर, ठीक है,
ये तो सोडियम की कंसेंट्रेशन होगी। अब जो पोटाशियम जो बाहर जाए जा रहा था, बाहर जाने की वजह से क्या, अब पोटाशियम का जो नर्स पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया वो -86 था, -86 और -85, -86 मोर नेगेटिव है, इसकी वजह से ना वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। उसका अभी तो मतलब उसका तो अपोज करने वाला तो -86 है, लेकिन हमारी सेल बॉडी में तो अभी -65 है, उसकी वजह से अपोज करने वाला उसका आया नहीं अभी है, तो उसे मौका मिल जाएगा तो वो पोटाशियम बाहर जाने लग जाता है। लेकिन जब ये बाहर जाने लग जाता है तो हमारे ये जो RMP है वो चेंज हो जाता है, सोडियम ये मोर नेगेटिव होने लग जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ये जो सोडियम पोटाशियम पम्प्स है इसके जरिए पोटाशियम हमारा वापस अंदर आ जाता है, ठीक है, और हमारा RMP मेंटेन रहता है। अब क्लोराइड की हम बात कर लें तो हम क्लोराइड के लिए जो उसकी नॉर्मली क्लोराइड क्या कर रहा था, बाहर से अंदर आ रहा था, ठीक है। इसकी जो उसको कंट्रोल करने के लिए ना इसकी उसको इसकी इसको अपोज करने के लिए, अपोज करने के लिए क्या होता है कि इसको अपोज करने के लिए होते हैं, इसका मतलब जो नर्स पोटेंशियल होता है वो -70 होता है। अब -70 और -65 में कोई इतना खास फर्क नहीं है, सिर्फ माइनस मतलब 5 digits का फर्क है, तो इसलिए ये बाहर अब बाहर जाने की कोशिश सॉरी अंदर आने की कोशिश तो कर रहा होता है, ठीक है। अंदर आने हम नॉर्मली क्लोराइड अंदर ही आता है ना, तो उसे थोड़ा सा मौका मिल जाता है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जब अंदर आएगा तो फिर क्या होता है कि ये डिस्टर्ब हो सकता है, मोर नेगेटिव हो सकता है, उसकी वजह से ना यहाँ पे पंप्स लगे होते हैं, वीक क्लोराइड पंप्स जिसे कहते हैं हम, वो क्लोराइड को वापस में लग जाता है, ठीक है। हमारा काम क्या था, हमने करना है RMP को मेंटेन। नॉर्मल क्या चीजें हैं कि सोडियम अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पोटाशियम बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, क्लोराइड भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ये अंदर आने की कोशिश करेंगे तो ये RMP ये सोडियम अंदर आने की कोशिश करेगा तो RMP डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बाहर भेज जाएंगे तो बाय द हेल्प ऑफ पंप्स पोटाशियम बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से भी डिस्टर्ब होगा ये हमारा RMP, तो हम पंप्स के लिए इसको वापस ले जो जाता है वो वापस ले आ जाता है, ठीक है। ये जो अब ये जो क्लोराइड जो अंदर आएगा उससे की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसको वापस भेजने के लिए भी हमारे पास पंप्स हैं जिसे हम वीक क्लोराइड पंप्स कहते हैं। ये हमारी मेंटेनेंस हो गई होगा क्लोराइड सॉरी सारा RMP हम कैसे क्लोराइड करते हैं मेंटेन करते हैं। अब क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द सोमा। ये जो हमारा सोमा है ना, ये हमारी सेल बॉडी है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, ये नहीं कि यहाँ कोई और है, ये -65 है, हर जगह -65 ही होता है, ये नहीं कि यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है। अब ये क्यों होता है कि अब इसकी दो वजह होती हैं, इसका जो इसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाईली कंडक्टिव होता है, हाईली कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। एक उसकी वजह से सारी जगह सेपरेट सारी जगह पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और अगर दूसरी वजह इसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ये है कि ये जो इसका सोमा का डायमीटर है ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वो इतनी कोई रेजिस्टेंस कॉज नहीं करता कंडक्शन के लिए, ठीक है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट सोमा के पार्ट के जाने के लिए कंडक्शन कॉज नहीं करता, ठीक। अब ये क्या होता है कि इसके यूनिफॉर्म डिस्टर्बेंस है ना, हमें ये यूनिफॉर्म डिस्टर्बेंस होता है तब तक यूनिफॉर्म डिस्टर्बेंस होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक हमने ना एक्शन पोटेंशियल को आगे ना ट्रांसफर करना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे एक्साइटेशन की, एक्साइटेशन कैसी होती है। अब एक्साइटेशन के लिए मैंने एक्साइटेशन याद रखना है कि सोडियम और पोटाशियम, सोडियम के अंदर आने की वजह से एक्साइटेशन हो जाती है, और जो क्लोराइड और पोटाशियम है ना उसके बाहर जाने की सॉरी सोडियम के अंदर आने की वजह से एक्साइटेशन हो जाती है, ये याद रखना है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो सोडियम की पर्मियबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा वो एक्साइटेशन को एक्साइटेशन कर देगा, और जो क्लोराइड और पोटाशियम की पर्मियबिलिटी को कर देगा ना चेंज, वो कर देगा हमारी इनहिबिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब तक यहाँ पे कोई हमारे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए हमने पंप्स कर दिए इसको मेंटेन किया हुआ, ठीक है, जो मैंने सारा पहले बता दिया कि हम कैसे मेंटेन करते हैं। अब एक्साइटेशन कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना हम एक्साइटेशन कब होगी, जहाँ पे कोई एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूटामेट आ गया, ये यहाँ पे ग्लूटामेट आ गया,
उसकी वजह से ना सोडियम जो चैनल्स है उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आने लग जाता है, जब बहुत ज़्यादा अंदर आने लग जाता है तो पंप से इतना ज़्यादा वापस नहीं भेज सकते, बहुत ज़्यादा अंदर आने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा अंदर आने की वजह से ये अंदर वाली पॉजिटिव हो जाती है, उसकी पॉजिटिव होने की वजह से ये बाकी नेक्स्ट में बताते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाती है। पहले हमारे पास था -65, अब ये लेस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो ये -45 हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो जाती है।